नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मेक्सिको की खाड़ी में उठा ट्रॉपिकल तूफान क्रिस्टोबल, मेक्सिको में लैंडस्लाइडिंग और बारिश की संभावना। भारत सरकार ने जारी किया COVID-19 प्रबंधन सूचकांक, राजस्थान की हालत बेहतर, डबलिंग रेट 18 दिन। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। हाल ही में निसर्ग और अम्फान तूफान के बाद मेक्सिको में ट्रॉपिकल तूफान क्रिस्टोबल के चलते बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। क्रिस्टोबल मेक्सिको में लैंडस्लाइडिंग से तबाही मचाने के बाद देश के आंतरिक इलाकों में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मेक्सिको की खाड़ी में उठा ट्रॉपिकल तूफान क्रिस्टोबल, मेक्सिको में लैंडस्लाइडिंग और बारिश की संभावना। भारत सरकार ने जारी किया COVID-19 प्रबंधन सूचकांक, राजस्थान की हालत बेहतर, डबलिंग रेट 18 दिन हुआ था। आपको बताते चले कि उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबल की उत्पत्ति मेक्सिको की खाड़ी में हुआ। यहां आपको बताना आवश्यक है कि किसी भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए बृहद समुद्री सतह औसतन 27 डिग्री सेल्सियस समुद्री सतह का तापमान, कोरियालिस बल की उपस्थिति और कमज़ोर निम्न दबाव क्षेत्र जैसी दशाओं का होना आवश्यक होता है। ट्रॉपिकल चक्रवातों की दिशा शुरुआत में पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, लेकिन 20 डिग्री अक्षांशों के नज़दीक कोरियालिस बल के प्रभाव में आकर इनकी दिशा दाईं ओर हो जाती है और 25 डिग्री अक्षांशों के निकट इनकी दिशा उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। आपको बताते चले कि हिंद महासागर के क्षेत्र में आने वाले तूफानों को चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में आने वाले तूफानों को विली विली, पश्चिमी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर में हरिकेन और पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में ऐसे तूफानों को टाइफून कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा COVID-19 प्रबंधन सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक के अनुसार 10 राज्यों के लिए किए विश्लेषण में राजस्थान का प्रथम स्थान रहा। इस सूचकांक में बताया गया है कि COVID-19 महामारी का डबलिंग रेट यानी पॉजिटिव रोगियों की संख्या दोगुना होने का समय जहां देश में 12 दिन है, वहीं यह दर राजस्थान में 18 दिन है। हालांकि राजस्थान में संक्रमितों की कुल संख्या 10,000 के करीब है, लेकिन सक्रिय मरीजों की संख्या तेजी से घट रही है। राजस्थान में केवल 2700 के करीब सक्रिय मामले हैं। राजस्थान में कोरोना के कारण होने वाली मृत्यु दर 2.15% के करीब है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। वहीं राजस्थान में मरीजों के ठीक होने का दर भी लगभग 68% के करीब है। राजस्थान में प्रतिदिन लगभग 18,000 परीक्षण किए जा रहे हैं और इसे 25,000 पहुंचाने का लक्ष्य जल्दी ही पूरा किया जाएगा। राज्य में विभिन्न शहरों से 11 लाख के करीब प्रवासियों की वापसी के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का व्यापक प्रसार नहीं हो रहा, जिसका प्रमुख वजह सक्षम नियोजन प्रणाली है, जिस पर राजस्थान सरकार लगातार काम कर रही है। राजस्थान सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग वर्तमान में अन्य स्वास्थ्य सेवाओं जिसमें टीकाकरण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य आदि पर भी ध्यान दे रहा है, जिससे किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सकता है। आपको बताते चलें कि COVID-19 का बेहतर प्रबंधन ही इस महामारी से बचाव का एकमात्र तरीका है। एक दूसरे से सीखते और अनुभवों को साझा करते हुए सभी राज्य को अपने आगामी योजनाओं को वास्तविक धरातल पर लागू करना चाहिए। और अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से है। 4 जून 2020 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन यानी गावी को $15 मिलियन की सहायता का ऐलान किया है। COVID-19 महामारी के बीच हुए इस ऑनलाइन समिट की मेज़बानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया। इस समिट में तकरीबन 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स, ब्रिटेन की एजेंसियां, सिविल सोसाइटी और सरकार के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस समिट का मकसद गावी के लिए $7.4 अरब का फंड इकट्ठा करना है, ताकि आने वाली चुनौतियों से निपटा जा सके। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि वो अगले 5 सालों में $15 मिलियन की मदद करेंगे।
पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। विश्व भर में मनाए जाने वाले पर्यावरण दिवस के लिए हर साल पर्यावरण दिवस थीम प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए अलग अलग निर्धारित की जाती है। साल 2020 के लिए पर्यावरण दिवस की थीम समय और प्रकृति को निर्धारित किया गया है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर संपूर्ण विश्व पर्यावरण को सुधारने के लिए प्रयास करता है। हाल ही में बिमल जुल्का समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। दरअसल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत संचालित फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण को लेकर बिमल जुल्का समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मंत्रालय में अनेक संस्थान एक जैसे ही कार्य कर रहे हैं, लिहाजा 4 व्यापक कार्यक्षेत्रों के साथ एक प्रमुख संगठन यानी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि व्यावसायिक फिल्मों के निर्माण के लिए स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के वित्त पोषण हेतु फिल्म प्रमोशन फंड का निर्माण किया जाना चाहिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून को आयोजित किया गया। इस आयोजन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया। इस बैठक में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। दोनों देशों ने रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधारों, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा जल संसाधन प्रबंधन सहयोग के बारे में भी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया। साथ ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भी संकल्प व्यक्त किया और डिजिटल अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने का फैसला लिया। इसके साथ ही समुद्री क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों में सहमति बनी। कोविड-19 के कारण वंदे भारत मिशन के तहत विश्व के विभिन्न देशों से वापस लौटने वाले कुशल कामगारों के कुशल उपयोग के लिए स्वदेश यानी स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट पहल के तहत सरकार इन नागरिकों का कौशल मानचित्रण का फैसला किया है। यह भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का एक संयुक्त पहल है। इस पहल के तहत भारत आने वाले नागरिकों को एक ऑनलाइन स्वदेश स्किल कार्ड भरना होगा, जिसे भारतीय कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा। स्वदेश कौशल फॉर्म की ऑनलाइन शुरुआत 30 मई 2020 को किया गया था और 4 दिन के भीतर ही 7,000 से अधिक पंजीकरण किए जा चुके हैं, जिनमें से अधिकतर संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, कुवैत और सऊदी अरब से लौटने वाले नागरिक हैं, जिन्हें मुख्य रूप से तेल एवं गैस, पर्यटन, मोटर वाहन और विमानन जैसे क्षेत्रों में नियोजित किया गया था। टीवी प्रोड्यूसर कृष्णेंद्र मजूमदार को द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा का नया अध्यक्ष चुना गया है। कृष्णेंद्र मजूमदार अगले 3 सालों तक इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले मजूमदार 1 वर्ष बाफ्टा के उपाध्यक्ष पद को भी संभाल चुके हैं। कृष्णेंदु मजूमदार पिछले 35 वर्षों के इतिहास में बाफ्टा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही साथ लगभग 73 वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भारतीय को बाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया हो। एक तरह से देखा जाए तो मजूमदार आज़ाद भारत के पहले बाफ्टा के अध्यक्ष होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।